हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट का चैप्टर प्लांट अराउंड अस, जो कि ईवीएस से रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड मैं प्लांट्स से रिलेटेड मैं चैप्टर में काफ़ी शॉर्टकट तरीके से सारे चैप्टर को क्लियर करने वाली हूँ, जिससे कि आप बच्चों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी सी वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। सम प्लांट्स आर बिग इन साइज वाइल सम आर स्मॉल। हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे आसपास क्या हैं, प्लांट्स हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कोई साइज़ में बड़ा है, कोई साइज़ में स्मॉल है। सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम प्लांट्स आर वेरी शॉर्ट। सम प्लांट्स लाइव फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो बहुत सालों सालों तक रहते हैं, जीते हैं, पर कुछ प्लांट कैसे होते हैं, दो या चार महीने तक ही उनकी लाइफ होती है। तो इसी तरीके से अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं कॉमनली या मेनली हम कह सकते हैं कि ग्रीन कलर के ही होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ट्रीज़। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज़ बोलते हैं। दे हैव अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इसमें जो स्टेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। द ट्रंक इज़ डिवाइडेड इंटू मैनी ब्रांचेस। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। और इस जो ट्री है इसमें अलग अलग तरह के क्या है, ब्रांचेस हैं, यानी कि टहनियाँ हैं। और ब्रांचेस के अंदर और क्या क्या हो सकता है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। और जो ट्री होते हैं वो हमारे कई कई सालों तक रहते हैं, जैसे मैंगो, पीपल, कोकोनट। इसके अलावा आता है श्रब। श्रब जो होता है वो हमारा स्मॉलर ट्री होता है, ठीक है, और उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और वुडी होती है, जैसे रोज़, हिबिस्कस और बोगनविला। ये सारे जो प्लांट्स हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस दैट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। और ये ज़मीन से ही छुए हुए होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें भी कई तरह के फ्रूट्स और फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स दैट हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल मिंट, स्पिनच, तुलसी। हर्ब्स लिव फॉर ओनली फ्यू मंथ्स। ये कुछ ही महीने ही चलते हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स ग्रो ऑन हर्ब्स। हर्ब्स लाइक तुलसी एंड मिंट, ये मैंने अभी बताई दिया, और जो कि हमारे किस में काम आते हैं, मेडिसिन में काम आते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिम्बर्स। प्लांट्स लाइक मनी प्लांट, पी प्लांट और हैव वीक स्टेम। इसमें क्या होता है, इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, और ये हमारे जो प्लांट्स हैं वो कभी भी स्टैंड अपने आप नहीं हो पाते हैं, ठीक है, सीधे नहीं खड़े हो पाते। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, स्टिक लगाई हुई है, जिससे कि ये प्लांट जो है वो चल पा रहा है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्रीपर्स। प्लांट्स लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन ऑल्सो हैव वीक स्टेम। इनको हम क्रीपर बोलते हैं। इनकी भी स्टेम जो होती है वो कैसी होती है, वीक होती है, ठीक है। इसके अलावा दे डू नॉट क्लाइंब अप स्ट्रेट क्रीप अलोंग द ग्राउंड। और ये जमीन पर ऐसे ही फैले हुए होते हैं, इनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। इसके बाद आता है पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर भी बनी हुई है, ठीक है, ये हमारा
करने वाला क्या होता है, स्टेम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रूट, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट गिव सपोर्ट टू द प्लांट। रूट्स जो होती हैं, जड़ें होती हैं, जो एक तरह से क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है प्लांट्स का, इसी की वजह से हमारा प्लांट खड़ा हो पाता है। इट टेक्स इन वाटर एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट। और ये क्या करता है, रूट्स को के अंदर ही हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है। आइए अब वर्कशीट देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिग प्लांट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड, जो बिग प्लांट्स होते हैं उसकी स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ, ब्रांच और ट्रंक। ट्रंक। श्रब्स हैव थिन एंड वुडी ब्रांचेस, लीव्स और स्टेम। क्या आना चाहिए, क्या होती हैं थिन और वुडी, स्टेम्स। नेक्स्ट ग्रासेस आर, ग्रासेस को हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स, क्रीपर्स या श्रब्स। आंसर इज हर्ब्स। नेक्स्ट अ प्लांट इज डिवाइडेड इंटू मैनी ब्रांचेस, पार्ट्स और स्टेम। आंसर इज पार्ट्स। पार्ट्स में डिवाइड होता है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन हिंट्स। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इनको देखकर आंसर फिल करने होंगे। फर्स्ट है इसमें, कैक्टस प्लांट्स ग्रो इन, कहाँ पे ग्रो करता है कैक्टस, डेजर्ट्स। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट्स, यहाँ आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट डैश लाइक तुलसी एंड मिंट आर यूज्ड एज मेडिसिन, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स।